Dear students, today I will discuss the science of 6th class. So in 6th class, chapter 3rd is going on. Chapter 3rd चल रहा था, तो जितना हो गया उसके आगे से देखिए आप. हमने आपको ओलिडियस हमबर्ग दिया था, वो भी हम आपका चेक करेंगे, ठीक है. इतना देख लेते हैं, फिर ओलिडियस हमबर्ग भी चेक करेंगे आपका जो दिया था. बताएंगे कि क्वेश्चंस कैसे आपने सॉल्व किए हैं, क्या क्या आंसर फेल किए. देखिए चैप्टर थर्ड था, चैप्टर थर्ड फाइबर टू फैब्रिक, है ना, रेशों से कपड़े कैसे बनते हैं. इस चैप्टर में नेक्स्ट टॉपिक था आपका जूट. देखिए जूट के बारे में, जूट क्या होता है. जूट इज अ ऑब्टेंड फ्रॉम प्लांट. ये जूट जो है ना, ये प्लांट से ऑब्टेन किया जाता है. ऑब्टेंड मतलब प्लांट से प्राप्त किया जाता है. जूट जो है ना प्लांट से प्राप्त किया जाता है. जूट क्या है, जूट का मतलब होता है सन, ठीक है. प्लांट से प्राप्त किया जाता है. कार्ड पटसन, और जिसे क्या बोलते हैं, पटसन बोलते हैं. पटसन को हिंदी में सन बोलते हैं, सनई बोलते हैं, ठीक है, सन भी बोलते हैं, सनई भी बोलते हैं. तो जूट क्या है, जूट इज ऑब्टेंड फ्रॉम प्लांट. जूट जो है ना प्लांट से ऑब्टेंड किया जाता है, जिसको पटसन बोलते हैं, ओके. इट ग्रोज, और ये उगता कहाँ है, कहाँ उगाया जाता है जूट. इट ग्रोज इन लो लाइंग लैंड. लो लाइंग लैंड मतलब छोटी सी छोटी जमीन में भी इसको उगाया जा सकता है. मीन्स दैट कम से कम जमीन में भी इसको उगाया जा सकता है. किसको, जूट को, ओके. विथ क्लेड सॉइल, और किसके साथ, चिकनी मिट्टी के साथ. जमीन छोटी हो कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन मिट्टी चिकनी होनी चाहिए. चिकनी मिट्टी में ये ज़्यादा अच्छा पैदा होता है, जूट जो होता है. विथ क्लेड सॉइल विच गेट्स प्लेंटी ऑफ रेनफॉल, और इसमें क्या होता है, जूट उगाने के लिए प्लेंटी ऑफ रेनफॉल. रेनफॉल जो है ना वो पर्याप्त मात्रा में होनी चाहिए. मीन्स दैट बारिश पर्याप्त मात्रा में होनी चाहिए. जूट तभी उगाया जा सकता है जिस जो जब बारिश पर्याप्त मात्रा में होती है, ओके. नेक्स्ट है द आउटर पार्ट ऑफ इट्स स्टेम. अब जब उगाते हैं तो इसका आउटर जो पार्ट होता है वो स्टेम कहलाता है. स्टेम मतलब बार्क, छाल बोलते हैं हिंदी में, बोलते हैं छाल, ठीक है. आउटर पार्ट क्या कहलाता है, स्टेम, बार्क कहलाता है. कंटेंस फाइबर, और जिसमें फाइबर प्रेजेंट होते हैं, इस आउटर पार्ट में ही फाइबर प्रेजेंट होते हैं, ओके. व्हेन फ्लावर्स अपीयर्स, जब जूट उगाते हैं तो जैसी फ्लावर्स उसमें दिखता है, जैसी फसल में फ्लावर्स दिखाई देने लगता है. व्हेन फ्लावर्स अपीयर्स द प्लांट इज कट, उस समय क्या करते हैं, प्लांट को कट कर लेते हैं. एंड इमर्ज्ड इन अ क्लीन पॉन्ड ऑफ स्लो रनिंग स्टीम. प्लांट को क्या करते हैं, कट कर लेते हैं, और इसके बाद में इमर्ज करते हैं, उसको रगड़ते हैं. किसमें, अ क्लीन पॉन्ड, एक साफ तालाब में, साफ पानी में. और कैसा होना चाहिए, ऑफ स्लो रनिंग स्टीम, जो धीरे धीरे बह रहा हो, ऐसा पानी जो धीरे से फ्लो हो रहा हो, है ना. ऐसे पॉन्ड का पानी जो धीरे धीरे फ्लो हो रहा हो, उसमें हम क्या करते हैं, जूट को इमर्ज कर लेते हैं, रगड़ लेते हैं, साफ कर लेते हैं, ओके. दिस इज डन टू सॉफ्टन, और ये कैसे किया जाता है, दिस इज डन टू सॉफ्टन, और ये बहुत धीमे से किया जाता है, बहुत हल्के हाथों से किया जाता है. ये प्रोसेस कैसी करी जाती है, बहुत ही सॉफ्ट करी जाती है. द फाइबर्स एंड टू एनेबल इट टू बी रिमूव, और इससे क्या होता है, ये करने से फाइबर्स जो है ना रिमूव कर लिए जाते हैं, हटा लिए जाते हैं, ठीक है. जूट में से फाइबर्स क्या कर लिए गए, रिमूव कर लिए गए, ओके. फ्रॉम द स्टेम, स्टेम से फाइबर्स को रिमूव कर लिया गया. फिर क्या होता है, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड रेटिंग. इस प्रोसेस को रेटिंग बोलते हैं. मीन्स दैट जैसे ही फाइबर रिमूव हो जाते हैं तो यह प्रोसेस क्या कहलाती है, यह प्रोसेस रेटिंग कहलाती है, ओके. रेटिंग कहलाती है. द लेंथ ऑफ जूट फाइबर इज अप टू 25 meters. जो फाइबर्स बनते हैं उनकी लेंथ लगभग 25 meters होती है, अप टू 25 meters, ओके. तो जूट के फाइबर्स जो भी तैयार होते हैं उनकी लेंथ कितनी होती है, 25 meters होती है, ओके. सो दिस इज द जूट. जूट कैसे प्राप्त होता है, एक छोटी सी छोटी जमीन में भी इसको उगाया जा सकता है, ठीक. लेकिन वो जमीन की मिट्टी जो है ना वो चिकनी होनी चाहिए, और बारिश पर्याप्त मात्रा में होनी चाहिए, पानी पर्याप्त मात्रा में होना चाहिए. जैसे ही इसमें फ्लावर्स निकल आते हैं और उसको क्या करते हैं, उसकी स्टेम को कट कर लेते हैं, इमर्स कर देते हैं क्लीन वाटर में, एक अच्छे पानी में उसको धुल लेते हैं. और धुलने के बाद में ये प्रोसेस बहुत ही धीमे हाथों से मतलब सॉफ्ट तरीके से करी जाती है, ठीक है, सावधानी पूर्वक की जाती है. और जैसे ही ये रिमूव हो जाते हैं फाइबर स्टेम से, इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, रेटिंग कहलाते हैं. और जो फाइबर रिमूव होते हैं उनकी लेंथ लगभग 25 मीटर्स होती है, ओके. सो दिस इज द जूट, ओके. इनफ फॉर टुडे, थैंक यू.